हे माय स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट पीपल, वेलकम टू स्पोर्ट्स अरीना। यहाँ पे मिलेगी आपको इंडिया और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट्स, क्विक रिव्यूज, प्रेडिक्शन, एनालिसिस। सबसे पहले खबर आ रही है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के पहले टेस्ट मैच, जो कि इंडिया आज 8 विकेट से हार गया है। आज इंडिया ने अपनी सेकेंड इनिंग्स 9 for 1 विकेट से कंटिन्यू करी और पूरी की पूरी टीम 36 रन पर ही आउट हो गई। येस, यू हर्ड इट राइट, इंडिया गॉट ट्रम्बल्ड फॉर ओनली 36 रन। इंडिया का कोई भी बैट्समैन डबल डिजिट्स तक भी नहीं पहुंच पाया। इंडिया का अब तक का यह सबसे मिनिमम स्कोर रहा है इन एनी ऑफ द टेस्ट मैचेस। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पैट कमिंग्स ने 4 विकेट्स और जॉश हेजलवुड ने 5 विकेट्स लिए। ऑस्ट्रेलिया के लिए 90 रन का टारगेट तो एक फॉर्मेलिटी सी ही थी, जो कि उन्होंने 21 ओवर्स में पूरी कर ली। मैन ऑफ द मैच रहे ऑस्ट्रेलिया कैप्टन टिम पेन, जिन्होंने फर्स्ट इनिंग्स में 73 रन की नॉट आउट पारी खेली थी। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड टेस्ट मैच मेलबर्न में 26th ऑफ दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, जिसकी कैप्टनशिप विराट कोहली के एब्सेंस में अजिंक्य रहाणे को दी जाएगी। शमी कुड मिस सेकेंड टेस्ट मैच बिकॉज ऑफ हिज रिस्ट इंजरी एंड इट्स लुकिंग वेरी सीरियस। बिग बैश लीग में आज के खेले गए मैच में होबार्ट ह्यूरिकेन्स ने रेनेगेड्स को 14 बॉल्स के रहते हुए 4 विकेट से हरा दिया। होबार्ट ह्यूरिकेन्स की तरफ से बेन मैकडॉर्मेट ने नॉट आउट 89 रन बनाए और वो इस वजह से मैन ऑफ द मैच भी बने। बिग बैश लीग में कल सिडनी सिक्सर्स का मैच एडिलेड स्ट्राइकर से है। न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान T20 का सेकेंड मैच कल ऑकलैंड में खेला जाएगा। 3 मैचेस की इस सीरीज में न्यूजीलैंड अभी फर्स्ट मैच जीतकर 1-0 से लीड कर रहा है। पाकिस्तान अगर कल का मैच हार जाता है तो वो इस सीरीज को भी हार जाएगा। फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन मोहम्मद वसीम अपॉइंटेड एज अ चीफ सेलेक्टर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टिल 2023 वर्ल्ड कप टू बी प्लेड इन इंडिया। लेट्स गेट इनटू फुटबॉल नाउ। कल के खेले गए इंडियन सुपर लीग के मैच में जमशेदपुर FC ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। संडे को इंडियन सुपर लीग के 2 मैच होंगे, जिसमें पहला मैच हैदराबाद का मुंबई सिटी से और दूसरा गेम केरला ब्लास्टर्स का ईस्ट बंगाल से होगा। FIFA Player of the Year went to Robert Lewandowski. This Polish striker is 32 years old now and he had a dream season for this year for FC Bayern Munich. These were some important news from the world of sports. Kindly get connected for more videos.